के कृषि अधिकारी को गोपनीय जानकारी मिली कि रालेगांव शहर में प्रतिबंधित बीटी बीज बेचे जा रहे हैं। इस जानकारी की पुष्टि के बाद में स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीम की मदद से जाल बिछा कर 3 आरोपियों को बीज बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पोल्ट्री शेड में छिपे बीज भी जब्त कर लिए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी शेखर तनबा जादे 49 वर्षीय राम मंदिर के पास निवासी, शुभम रामनाथ जी कासरकर 28 वर्षीय कृष्णापुर निवासी, इमरान नूर 33 वर्षीय थाना रालेगांव के पीछे निवासी, इनके पास से प्रतिबंधित कपास की बीटी बीज के 29 बोरे जब्त किए गए। प्रतिबंधित बीटी बीज बेचने वालों के रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए कृषि विभाग ने डमी किसानों को भेजा। रालेगांव में मेती खेड़ा रोड पर रिलायंस स्कूल के पास उन्होंने शेखर जादे इमरान थेम से 700 रुपये प्रति पैकेट में 2 बैग खरीदे। उसी समय पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी शेखर जादे और शुभम कासरकर को एक दुपहिया वाहन के साथ हिरासत में ले लिया गया। फिर इमरान नूर के खेत से मुर्गी शेड को अपने कब्जे में ले लिया। वहां से 29 पैकेट बीज मिले। पुलिस ने आरोपी के पास से 70,000 रुपये का माल जब्त कर रालेगांव थाने में पर्यावरण संरक्षण कानून व प्रतिबंधित बीज बिक्री कानून के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिला कृषि विकास अधिकारी राजेंद्र मालोदे, नीलेश धाकुलकर, सहायक पुलिस निरीक्षक गणेश वनारे, अमूल मुड़े, विवेक देशमुख, नीलेश राठौड़, किशोर जेंडेकर, सलमान शेख, जितेंद्र चौधरी और स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक प्रदीप परदेशी और उनकी टीम ने की। पावसाची आगमनाची चाहूल लागलेली आहे आणि शेतकरी बांधव सगळे आपले पेरणीच्या कामाला लागलेले आहे। तर आत्ता कृषी विभागाला माहिती प्राप्त झाली होती की रडेगाव या ठिकाणी शासनमान्य नसलेले बियाण्यांची विक्री चालू आहे। त्या अन्वये त्यांनी माननीय पोलीस अधीक्षक यवतमाळ साहेब यांच्याशी संपर्क केला व त्यांच्या आदेशान्वये कृषी विभाग आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचं पथक असं दोघांनी जॉईंटली रालेगाव या ठिकाणी जाऊन या संदर्भात जी माहिती होती त्याची खात्री केली आणि बोगस बियाणे विकणाऱ्या 3 आरोपींना अटक करून त्यांच्यावर कायदेशीर FIR दाखल करून सर्व मुद्देमाल आणि 3 आरोपी हे पुढील तपासकामी रालेगाव पोलीस स्टेशनला स्वाधीन केलेले आहेत। रालेगाव येथे STBT आपण ज्याला चोर बीटी म्हणतो किंवा हर्बिसाइड टॉलरन्स बीटी म्हणतो या बीटी बियाण्याचे एक किसम इम्रान थेम विकत असल्याचे आम्हाला गोपनीय सूत्राच्या अनुषंगाने कळले। तर आम्ही सापळा लावून LCPला सोबत घेऊन मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला त्याबद्दल मदत केली। मी त्यांचेसुद्धा या ठिकाणी प्रथम आभार मानतो। त्यांनी SPA सरांना फोन करून आम्हाला पोलीस मदत मिळून दिली आणि त्या मदतीने आम्ही मग सापळा लावून जो शेखर तांबा झाडे आहे हा गृहस्थ मध्यस्थीच्या जे बियाणे विक्री करतो याला आम्ही पैसे दिले। 700 रुपयांनी आम्ही पॅकेट बुक केले आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आमच्या डमी गिरायकाला ते पॅकेट पहिल्या दिवशी 10 पॅकेट दिले। परत आम्ही दुसऱ्या दिवशीसुद्धा मागणी केली तर आमच्याकडे भरपूर पॅकेट आहे, तुम्हाला पाहिजे तेवढे मिळते असं म्हणून सांगितलं। तर आम्ही सापळा रचून मग त्याच्यावर कारवाई केली आणि आम्ही 20 पॅकेट एकूण हस्तगत केले आणि सदर इसमावर राळेगाव पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केला। त्या आता पुढील कारवाई पोलीस स्टेशन राळेगाव याच्यामार्फत करण्यात येत आहे। VKB न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महेंद्री की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।